हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे ही होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि मैं इस समय टाइम एंड वर्क के आरएस अग्रवाल से क्वेश्चन करा रहा हूं। जी हां दोस्तों, टाइम एंड वर्क के आरएस अग्रवाल के बुक से क्वेश्चन करा रहा हूँ। और इससे पहले मैंने टाइम एंड वर्क के, जी हाँ दोस्तों, टाइम एंड वर्क के जो तीन पार्ट अपलोड कर दिए हैं, ये है चौथा पार्ट। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये वीडियो एसएससी सीजीएल आरआरबी एनटीपीसी सारे एग्जाम्स डीडीए सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा दोस्तों, एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक पुरुष रहता है, एक स्त्री रहती है और एक लड़का। तो एक पुरुष को हम एक मैन लिखेंगे, एक बॉय और एक वुमेन। ये तीनों मिलकर काम को जो है 3 दिनों में पूरा कर देते हैं। कितने दिनों में? 3 दिनों में ये तीनों मिलकर काम को कर देते हैं पूरा। आगे कह रहा है, यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में कर सकता है। यदि हम एक मैन की बात करते तो मैन आदमी जो है काम को सिर्फ 6 दिन में पूरा कर देता है। और कह रहा है, और लड़का अकेला इसे 18 दिन में पूरा कर देता है। ये बन गया हमारे पास स्टेटस। जो लोग भी बेसिक क्लास नहीं देखे होंगे टाइम एंड वर्क का, उनके थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप लोग पार्ट 1, 2, 3 देख लीजिए। अगर एक आदमी, एक लड़का और एक औरत मिलकर 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, आदमी सिर्फ अकेला जब काम करता है तो काम को 6 दिन में पूरा कर देता है, और जब लड़का काम को करता है तो 18 दिनों में। आपको पता है कि यहाँ पे एक ऐसा संख्या लेते जो तीनों से कट जाए तो 18 हो जाएगा। 18 का मतलब हो गया 18 काम हमें क्या करने हैं, करवाने हैं। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ 3 से 18 भाग देंगे, 3 छक्का 18, 6 से 18 भाग देंगे, 6 त्रिक 18, 18 करने में 18। यानी कि हम बात करेंगे एक आदमी की, एक लड़के की और एक औरत की, ये इन तीनों की जो कार्य क्षमता है वो है 6। कार्य क्षमता 6 का मतलब ये हो रहा है कि ये एक दिन में 6 काम कर दे रहे हैं। और लड़के की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों, लड़के की कार्य क्षमता एक दिन में सिर्फ 1 काम कर रहा है। और अगर हम बात करेंगे मैन की कार्य क्षमता, वो आपको दिख रहा है 3, जो साइड में आया हुआ है, ये साइड में, ये है कार्य क्षमता अर्थात है इफिशियंसी। दोस्तों हमें किसी का भी निकालना होगा तो हमें उसके, जब भी टोटल वर्क में अगर हमको पता रहेगा ना कितने दिन में करेगा ये पता लगाना है, तो टोटल वर्क में इफिशियंसी से डिवाइड करते हैं। दोस्तों देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे मैन प्लस बॉय प्लस वोमैन का जो इफिशियंसी दे रखा वो 6 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। आदमी की इफिशियंसी 3 है, बॉय की इफिशियंसी 1 है, औरत की इफिशियंसी नहीं पता प्लस 6, वोमैन का इफिशियंसी हो जाएगा 6, ये 3 एक मिलकर 4, उधर जाके -4 हो जाएगा, तो वोमैन की इफिशियंसी हो जाएगी 2। यानी कि आदमी जो औरत है ना, 2 काम को एक दिन में कर रही है, तो 18 काम को करवाना है तो हम क्या करेंगे, 18 काम से जो इसकी कार्य क्षमता इसी से डिवाइड कर दे, 18/2 मतलब 9 डेज, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि आप ऑप्शन चले जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 के साथ। किसके साथ चले जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर 1 के साथ। तो बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है, जो भी चैनल पर ना है चैनल को प्रेस कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि आपको इसी तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आपके सामने है आज का अगला क्वेश्चन, उसको देखिए आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उस मेथड को आप लोग देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तब तक चलिए, तब तक मैं बोर्ड को साफ कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन तब तक आप लोग, आप सभी लोग देखिए, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जी हाँ दी फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना एकदम से ना भूलें। तो ये लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, कुछ अच्छे लेवल का क्वेश्चन 11। एक आदमी और एक लड़का मिलकर, 11वां क्वेश्चन, एक आदमी रहता है, क्या रहता है, एक आदमी, अगर हम मैं लिखे तो कोई बात नहीं, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। दोस्तों आदमी और लड़के जब मिलते हैं और काम को 24 दिनों में करते हैं, वही तो टोटल वर्क हो गया। क्या आदमी और लड़का मिलते हैं तो काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये हो गया टोटल वर्क, ये निकल गया। आगे कह रहा है, यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे, दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है, तो काम 26 दिन में समाप्त हो जाता है। काम 26 दिन में समाप्त होता है कब, जब आदमी अकेला 6 दिन काम करता है। यानी कि आदमी अंतिम में क्या करता है, 6 दिन अकेला काम करता है, तो काम 26 दिन में समाप्त होता है दोस्तों। लेकिन 26 दिन टोटल काम लगा,
छह दिन इसने अकेला काम किया तो 20 दिन तो लड़की के साथ किया होगा, यानी कि एम प्लस वाई यहाँ पे 20 दिन काम इसके साथ किए होंगे। यहाँ से निकल जाएगा इफिशियंसी, फिर हम क्वेश्चन को देख लेंगे। 24 का एम में गुणा करेंगे 24 एम, एम का मतलब होता है आदमी, 24 का बी में 24 बी, फिर 20 का एम में 20 एम और 20 का बी में 20 बी प्लस 6 का एम में 6 एम। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्या करने वाले, एम एम को सब एक साथ करेंगे, 20 एम और 6 एम मिलकर कितना हो जाएगा 26 एम प्लस 20 बी, इधर 24 एम प्लस 24 बी। अब देखिए एम एम को एक साथ करेंगे 24 एम है, उधर 26 एम में से घट जाएगा तो इधर बच जाएगा 2 एम, ये 24 बी है ये 20 बी इधर आके माइनस हो जाएगा तो बच जाएगा 4 बी। अब देखिए 2 एक कम 2 2 दूनी 4 तो एम बटे बी कितना हो जाएगा 2 बटे 1। दोस्तों यह एक गुणा कर इधर आके भाग करेगा, 2 यहाँ गुणा कर रहा था इधर आके भाग किया, यानी कि जो आदमी की कार्य क्षमता हो गई वो 2 और बॉय की कार्य क्षमता हो गई 1। कह रहा है कि लड़का अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा। दोस्तों जब तक हमें इफिशियंसी नहीं पता रहेगी, टोटल वर्क हमको नहीं पता रहेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहला काम हमारा है कि हम टोटल वर्क को निकाल लें। और टोटल वर्क को निकालने के लिए यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना एकदम जरूरी है। आदमी क्या जगह पे 2 दे रखा है, बॉय की जगह पर 1 दे रखा, 24 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 3 24 3 72। टोटल वर्क हमारे पास हो गया है 72। इस काम को लड़के से करवाना, किससे करवाना दोस्तों, लड़के से। तो काम जिससे भी करवाना होगा उसके कार्य क्षमता से हम डिवाइड करेंगे, तो 72 काम करवाना है। लड़के की कार्य क्षमता कितनी 1 है, तो 72 में 1 से भाग देंगे तो 72 ही आएगा। 72 दिन इसका आंसर होगा, और इसके बुक में आर्यस अग्रवाल के बुक में इसका आंसर गलत दे रखा है। और इसका ऑप्शन चले जाएंगे हम लोग ए के साथ, किसके साथ चले जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दे तुरंत, और काफी आनंद आने वाला अभी आगे आने वाले क्वेश्चंस के साथ। तो जो भी चैनल पे ना इस तरह की वीडियोस पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर से जरूर करें। तो इस तरह के क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क के दोस्तों जो भी क्वेश्चन करा रहा पूरा डिटेल के साथ चल रहे हैं, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आराम से करना, कम से कम 50 क्वेश्चन तो कर ही देना है। किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है। दोस्तों 7/10 भाग को माना, टोटल काम पहले तो कोई काम एक तो होता है, कोई काम पहले कितना होता है एक होता है, एक में से 7/10 भाग को, जैसे माना माना काम कितना है एक है, काम कितना है एक है। अब 7/10 हो चुका है तो बचा कार्य कितना हो जाएगा, बचा हुआ कार्य ध्यान से देखिएगा, एक में से 7/10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10 एक नम 10, 10 में से आ जाएगा 3/10, बचा हुआ काम कितना है 3/10। कह रहा है जो बचा हुआ काम है वह बी की सहायता से 4 दिन में पूरा करता है, यानी कि ए प्लस बी इस 3/10 काम को कितने दिन में पूरा कर देते हैं 4 दिनों में। तो पूरे काम को कितने दिनों में करेंगे, एकदम इजी क्वेश्चन बन गया दोस्त, एकदम कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ए प्लस बी का कितना हो जाएगा, ये 10 भाग इधर गुणा कर 10 चौके 40 और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा 40/3। जब इसको हम डिवाइड करने का प्रयास करेंगे तो 10 3 30 12 3 36 13 3 39 13 1/3 दिन इसका आंसर, और आप चले जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। दोस्तों जैसे 40/3 है तो काट दीजिए 3 करने 3, 4 में 3 गया 1 10, 3 3 का 9 तो बच गया 13 1/3। तो बताइए कैसा लग रहा क्वेश्चन, अच्छा लग रहा है, यानी आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा साइड में है तो क्वेश्चन को आप लोग खुद से कुछ जो है सॉल्व किया करें, ताकि जो है ज्यादा दिक्कत आपको ना हो और ना ही ज्यादा दिक्कत मुझे हो। तो अगला क्वेश्चन आप लोग तब तक सॉल्व करिए, सामने क्वेश्चन आपके है, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बताइए इंटरेस्ट मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, और सारे प्लेलिस्ट के वीडियो अगर देख लेते हैं तो फिर आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। अब देखिए कार्य कुशल का मतलब ये होता है इफिशियंसी, कार्य कुशल का मतलब डियर स्टूडेंट्स क्या होता है इफिशियंसी, कौन कितना काम कर रहा हूं मैं, कितना देर पढ़ा पा रहा हूं, ये मेरी इफिशियंसी है। अब देखिए कह रहा है ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है, ए क्या है 3 गुना अधिक कार्य कुशल, ये है इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता। तो जो टाइम का रेशियो जाता है आपको पता है कि यह 1:3 हो जाएगा, अगर एफिशियंसी का रेशियो दिया है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाता है इसका अपोजिट हो जाता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है
अतः वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम लेता है। यहाँ पे देखिए, यह 3 दिन ले रहा है बी और ये 1 दिन ले रहा है, यहाँ कितना दिन कम ले, 2 दिन, लेकिन कह 2 दिन कम नहीं लेता, 60 दिन कम लेता है, यानी कि जो 2 का वैल्यू वो 60 दे रहा है, कितना गुना दी के 2 से 60 में डिवाइड करेंगे 30 दिन, तो यानी कि ए किसी काम को करता है। दोस्तों अगर यहाँ 30 है ना, तो यहाँ भी ये 30 करने में 30 दिन ये भी लेगा, ठीक है, यहाँ पे एक था तो 30 करने में 30 हो गया, यहाँ पे 3 है तो 30 दिया 30 से गुणा कराएंगे 30 दिया 90 दिन, यानी कि ए किसी काम को, दोस्तों ए किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है और बी किसी काम को 90 दिनों में कर सकता है। कह रहा दोनों मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे, एकदम इजी बन गया है, 30 90 के एलसीएम 90 हो गया, 30 से 90 में डिवाइड किया, 30 दिया 90, 3 आ गया, 90 करने में 90 एक आ गया। तो जब कहेगा कि ए प्लस बी कितने दिनों में कर पा रहे हैं, तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, टोटल वर्क 90 दे रखा है, एफिशिएंसी 3 है 4, 90 बटा 4 2 से काट देंगे, 2 से 90 में भाग देंगे 45 और 2 से 2 में तो 45 बटे 2, इसको और डिटेल में जाएंगे तो 22.5 दिन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और आप चले जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तो बताइए आज का क्वेश्चन कैसा था, चार के चारों क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के दोस्तों कैसे थे। सुबह मैथ का भी क्लास चलता है और शाम में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाता हूँ, तो डेली सुबह शाम आप मेरे चैनल पर आके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए या फिर जो है देख लीजिए लाइव चल रहा है या नहीं। तो दोस्तों बस यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं और फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।